आप सभी का स्वागत है। आप जो देख पा रहे हैं सामने प्लांट, ये हिबिस्कस का प्लांट है जिसे चाइना रोज भी कहा जाता है। फर्दर हम इसको बोनसाई में कन्वर्ट करेंगे, तो इस प्लांट की मैं कुछ डिटेल्स दे देता हूँ आपको। इसको मैंने कटिंग से ग्रो किया था, इसको फ्रीली ज़मीन में ग्रो होने दिया मैंने। जब ये थिक हो गया नीचे से, तो फिर मैंने इसे ऊपर से चॉप कर दिया था। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए मैंने इसको चॉप कर दिया था, काट दिया था यहाँ से। ये देखिए ब्रांचेस मैंने इसकी, ये देखिए ये कटिंग कर दी थी मैंने इसकी। कटिंग करने से फ़ायदा ये हुआ कि इसकी साइड से मल्टी ब्रांचेस निकलना शुरू हो गई। अब फर्दर इसकी हमने ये सोचा हुआ है, इसको ऊपर हम इसकी कनोपी बनाएंगे, ठीक है जी। ऊपर कनोपी तैयार हो जाएगी इसकी, और नीचे की जो ब्रांचेस हैं इन्हें हम पीछे की और साइड्स की, इसे हम रखेंगे डेप्थ के लिए, यानी कि पौधे को गहराई देने के लिए। अभी तो एक नॉर्मल सा आपको प्लांट दिख रहा है, मैं इसका 360 व्यू दे देता हूँ आपको। ये देखिए ये इसकी बैक साइड आ गई, ठीक है जी। ये देखिए ये आप देख रहे हैं, ये बैक ब्रांच है। अक्सर लोग इससे भी काट देते हैं, इसे नहीं काटना है, इससे प्लांट में गहराई आती है, डेप्थ आती है। वो फर्दर आपको पता चलेगा डेप्थ आना क्या चीज़ होती है। ये देखिए ये देखिए ये आ गया इसके फ्रंट लुक। अच्छा, कोशिश आपने ये करनी है, जब ये अंडर ट्रेनिंग हो, जैसे अभी ये अंडर ट्रेनिंग है, तो जो ब्रांचेस सीधा आ रही हैं आपकी तरफ है ना, उसे काट दें। फिलहाल उसकी हमें ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। ये हमारा जो ट्रंक बेस है, इसका सेंटर आपने ले लेना, यहाँ से सेंटर ले लिया आपने। जो ये क्रॉस हो रही है, ये ब्रांच आप देख रहे हैं, इसे या तो हम पीछे की तरफ बेंड कर देंगे या तो फिर इसे काट देंगे। कोई भी ब्रांच अपनी लाइन से अंदर की तरफ नहीं आनी चाहिए, हमेशा ट्रंक लाइन से बाहर की तरफ आनी चाहिए, है ना। जैसे आप देख रहे हैं इसे बाहर की तरफ, ये ब्रांच ऐसे नहीं आएगी कभी भी, ये आएगी तो ऐसे की तरफ। अब जो ये ब्रांच है, ये पीछे आप देख रहे हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए ये ब्रांच, ठीक है जी। इसे हम बेंड करेंगे अपनी तरफ ऐसे इन फ्यूचर। अगर ये बेंड नहीं होगी या हमें लगेगा ज़रूरत नहीं है, तो इसे हम बेझिझक काट देंगे। चाहे कितनी भी थिक हो, कितनी भी हमें अच्छी लग रही हो, हमें उसे काट देना है। अक्सर लोग घबरा जाते हैं, सोचते हैं यार इतनी मेहनत से ये ब्रांच निकली है, इसे काट देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा सा घबरा जाते हैं, तो बिना झिझक काटते हैं। ये एक छोटा सा लेसन था, एक टिप थी बोनसाई के लिए। तो आने वाली वीडियोज़ में मैं फर्दर आपको हर वीडियो में सिर्फ एक टिप दूँगा, एक, ताकि आप उसको प्रैक्टिकलिटी में कर पाएँ। एक वीडियो में 10 बातें बता दूंगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि बोनसाई यार आपको लगेगा बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। एक वीडियो, एक टॉपिक, एक ही को हम फोकस करेंगे। फिलहाल ये मेन जो ट्रंक लाइन है, इससे जो भी ब्रांच क्रॉस कर रही है उसे काट देंगे हम, या फर्दर हम इसको वायरिंग करके बैक पीछे की तरफ ऐसे बेंड कर देंगे, ठीक है। ये ऑलरेडी पीछे की तरफ बेंड है तो ये काम कर जाएगी, ठीक है। और जो इसमें सॉयल यूज़ की है मैंने, ये नॉर्मल जो गार्डन सॉयल है, ये वही सॉयल है। आप देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये नॉर्मल गार्डन सॉयल है, इसमें कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ पे सैंडी सॉयल है, मतलब इसमें रेत ज़्यादा होती है, तो ये मेरे घर की मिट्टी है तो वही मैंने यूज़ की है। इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि इसको पानी आपको रोज़ देना पड़ता है। सर्दियों में शायद एक दो दिन आप छोड़ भी सकते हैं, मगर गर्मियों में तो आपको रोज़ देना पड़ता है। दूसरा, इस क्योंकि ये सैंडी है तो इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है, तो बोनसाई के लिए ये परफेक्ट नहीं होती। फ़िलहाल घर में यही थी, तो मैंने इसी में ये ग्रो हुआ था प्लांट, पहले जब ज़मीन में था तो मैंने इसी को यूज़ किया बोनसाई पॉट में, ठीक है जी। तो फिलहाल एक आपको आज मैंने टिप दी है और एक लेसन दिया छोटा सा बोनसाई को लेकर, कि जो भी इसकी एक ये बेस लाइन है, ठीक है जी, ट्रंक
जो इसकी ट्रंक की एक आपने एक बेस लाइन पकड़ लेनी, क्योंकि ये आपका ट्विन ट्रंक्स हैं तो आपने एक सेंटर का एक बेस ले लेना है, ठीक है जी। अगर सिंगल होता तो आपने कोशिश करनी कि एक यहाँ निकले एक यहाँ निकले, मगर क्योंकि अब ये ट्विन ट्रंक में है तो ये अंदर की तरफ जो आ रही है इसे कोशिश करें इसे काट दें, जो स्ट्रेट यहाँ से आ रही है ऐसे जाए यहाँ से ऐसे बेंड हो रही है तो उसे भी आप काट सकते हैं बेझिझक। जैसे इन फ्यूचर जैसे ये ब्रांच है, ये देख रहे हैं छोटी सी ब्रांच, ये देखिए ये भी आने वाले टाइम में थोड़ा तंग करेगी तो इसकी भी ज़रूरत नहीं होगी। तो फिलहाल अगर देखेंगे अगर इसकी ज़रूरत नहीं है तो इसे काट देंगे। फिलहाल एक छोटा सा लेसन था, एक छोटी सी टिप थी, जब भी बोनसाई शुरू करें ये एक चीज़ का ध्यान रखें, एक वीडियो में एक ही टिप देंगे क्लैरिटी के साथ ताकि आपको समझ आ जाए, है ना। और कोई क्वेश्चन हो या कुछ बोनसाई से रिलेटेड कोई इश्यूज़ हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर उसकी एक डिटेल वीडियो बना दूँगा। तो फिलहाल अभी एक एक स्टेप करके चलेंगे, ये उन लोगों के लिए जो थोड़ा सा डरते हैं, बिगनर्स हैं और थोड़ा सा डरते हैं, हो सकता है एक साल से दो साल से या तीन साल से आप बोनसाई बना रहे हो और थोड़ा एक डर होता है, तो बेसिक एक एक प्रिंसिपल को पकड़ेंगे बोनसाई को और डेफिनेटली इन एंड रिजल्ट आपको एक अच्छा बोनसाई निकल के सामने आएगा, ठीक है जी। इसकी डिटेल वीडियो आने वाले एक दो महीने में आपके पास आएगी, कैसे हमने इसको क्या किया और कैसे करना है इसको। तो फ़िलहाल अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।